नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया का भी सस्पेंस बड़ा खतरनाक चल रहा है। 1.5 साल हो गए, आपको सबको पता है क्या स्थिति चल रही है। 2020 मार्च से शुरुआत हुई थी और ये 2021 मार्च चला गया, पूरे 1.5 साल हो गया। जी हाँ, 18 महीने से ऊपर चल रहा है ये सिस्टम। और लोग सऊदी वाले हैं ना, थक हार के बैठ गए बेचारे, क्योंकि जो ठीक है यंग जनरेशन थे, जो पैसा 2 रुपये खर्च करना चाह रहे थे फ्लाइटों का, आपको पता है क्या स्थिति है, वो तो कैसे भी करके दुबई से या दूसरे देशों से कैसा खर्च कर कर आके चले गए। जो बेचारे एज थे, जो अनपढ़ कैटेगरी के थे, जिनको नहीं पता होता कि भाई किस तरह से जाएँ क्या करें, ठीक है, वो बेचारे छुट्टी आए थे, वो अभी इंडिया में बैठे हैं और उनको ये फाइनली उनके माइंड में ये बात सेट हो गई कि हम सऊदी दोबारा नहीं जा सकते। उनका कंपनी में कितने लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी सैलरी अटक गई, क्योंकि अचानक से लोग छुट्टी आए थे तो कई तनख्वाह बहुत सारे लोगों की कंपनी में पेंडिंग रह जाती है। उनका अंतर सेवा बोनस, ग्रेजुएटी बोनस, उनका हिसाब किताब लेन देन सब कुछ चौपट हो गया। अब क्या करें, घर पे बैठे हैं बेचारे। अभी भाई आपको हमारे राजस्थान में आपको पता है, आप बोलते हैं चौमासा फसल आ रही है, बाजरा करें, उनमें काम करो, बस ये स्थिति चल रही है। लेकिन राजस्थान के किसान हैं या जो भी किसान है भाई, टेंशन न लें, अपनी खेती बाड़ी का जो 4 महीने का काम है दीपावली तक इसको फ्री कर लें। इतने में फ्लाइटें चालू होगी, नए वीजे से आप जाओ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, मैं तो ये उम्मीद आपको दे सकता हूँ। बाकी डिटेल और भी हम बात करेंगे, वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड, टीका कौन सा लगाएं, अभी क्या स्थिति है कोरोना की, सऊदी से रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सऊदी की। फ़्लाइट की अगर बात करें तो भाई फ़्लाइट की क्या ही बात करें, बात न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़्लाइट की आप न्यूज़ देख देख के बोर हो चुके होंगे। अभी ये अपडेट आ रहा है, अभी वो अपडेट आ रहा है, बाकी अपडेट कुछ नहीं आ रहा है, किसी की फ़्लाइट नहीं हो रही है, बाकी अपडेट पे अपडेट चल रहे हैं पिछले 18-19 महीने से, और 2 साल पूरे निकल जाएंगे मुझे उम्मीद है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो भाई आप समझ रहे हैं स्थिति फ़्लाइटों की। तो दुबई सऊदी ने हालांकि इंडिया को, पाकिस्तान को, इन देशों को छोड़ के और भी यूरोप कंट्रियों के लगभग फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं, और उम्मीद हम तो ऐसी करेंगे भाई कि इंडिया की फ़्लाइटें भी जल्द स्टार्ट हो जाएं। बाकी सऊदी की फ़्लाइटों का कोई अपडेट है ही नहीं, सच्चाई की बात यह है। लेकिन एजेंटों से कॉन्टेक्ट करोगे तो वो तो बोल देंगे हाँ जी हम पैकेज दे रहे हैं। नेपाल के थ्रू लोग सऊदी जा रहे थे, वो भी मैटर क्लोज हो गया, अभी तक कोई अपडेट इनका ऐसा कुछ है नहीं फ़्लाइट से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मंथ में अगर कोई रिपोर्ट आती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी भाई 420 की रिपोर्ट तो रोज़ आती है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं, लेकिन उन पर सिर्फ टाइम ख़राब करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई जो लोग इंडिया के थे, दुबई सऊदी में थे, जो इंडिया छुट्टी आ चुके थे, जिनका फ़्लाइटों की वजह से वो यहाँ बैठे हैं, चाहे आप एशियन कंट्री में किसी भी देश में रहे होंगे, उनका वीज़ा 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो वीज़ा लोगों के ख़त्म हो रहे थे, ख़त्म होने के कगार पे थे, उनको 1 महीने का टाइम और दे दिया गया, 31 जुलाई तक का टाइम है। और उससे पहले अगर फ़्लाइट चालू हो गई तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुबई होके, क्योंकि सऊदी अरबिया को भी दुबई ने ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है, अभी दुबई से सऊदी लोग जा सकते हैं। तो इंडिया की फ़्लाइटें अगर दुबई के लिए स्टार्ट हो जाती हैं तो आप दुबई से सऊदी के लिए जा सकते हैं, या और भी बहुत सारे देश यूरोपीय वाले हैं भाई, उनमें तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उधर से जा पाओगे। ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी सऊदी हुकूमत ने ये भी बोला है कि भाई जो भी वर्कर सऊदी अरबिया में हैं सबको गारंटी के साथ टीके लगवाने पड़ेंगे, यानी नहीं लगवाओगे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी, सबके टीके लगेंगे कोरोना वैक्सीन के। जी हाँ, क्योंकि अभी आंकड़े सऊदी के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, यानी 90% के करीब ये गल्फ देश हैं छोटे छोटे, इतनी सी इनकी आबादी है, उनको भी ये टीके पूरे नहीं लगवा पाए, और टीके लगाने के बावजूद भी कोरोना के केस वैसे ही आ रहे हैं। सऊदी की बात करें, 25 जून को 1200 केस आए हैं भैया, आप सोचिए, वही केस आज से 4 महीने पहले चल रहे थे, वही आज चल रहे हैं, 1200 के बीच में चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कंट्रोल हो पाया है, इसीलिए भैया सरकारें डरती हैं, सीधी बात है, उनको भी क्या दोष दी जाए। तो बस ये अपडेट देनी थी आपको। अगर कोरोना की बात करें सऊदी अरबिया में, तो टोटल अभी तक जो केस हैं 4,80,000 प्लस केस अभी तक टोटल आए हैं। जी हाँ, और डेथ की बात करें तो लगभग 7,500 के करीब अभी तक लोगों की मौत हो चुकी है सऊदी अरबिया में, 4,61,000 प्लस अभी लोगों की रिकवरी की जा चुकी है। रिकवरी ठीक है, 10-20,000 का फर्क होता है तो चल जाता है,
अब भाई देखिए, 7,000-7,500 लोग जो सऊदी में एक्सपायर हुए हैं, इंडियन लोग भी उनमें कितने थे, आप सोचिए कितने लोगों की बॉडी आई है। मुझे लगता है जो शुरू शुरू में जो लोग एक्सपायर हो गए थे कोरोना की वजह से, उनकी डेथ हो गई थी, मुझे नहीं लगता उनकी बॉडी आई होगी, वो उनकी वहीं की वहीं उनको अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया, ये सच्चाई। हम बात करें भाई सऊदी जाने वाले लोग हैं, अगर तिकड़म बिठा के इधर उधर से आप जाते हो तो कौन सा टीका लगवाएं, क्योंकि सऊदी ने जो आपको पता है एक टीके को मान्यता दी है जो काफ़ी जगह मिल भी पा रहा है, इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, कोविशील्ड टीका लगा सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग देशों में अलग अलग जैसे एस्ट्राजेनिका नाम दिया गया है, तो अभी इंडिया में बोलते हैं एस्ट्राजेनिका लगा लो, तो एस्ट्राजेनिका के नाम से लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, भाई इंडिया में तो टीका है ही नहीं, लेकिन कोविशील्ड को ही यहाँ पे एस्ट्राजेनिका जो टीका है इसको कोविशील्ड के नाम से इंडिया में बेचा गया है, यहीं उसको ये टीका लगाया जा रहा है। तो कोविशील्ड टीका आप लगवा के तैयार रहें, जब भी आपको मौका मिले तो आप फ्लाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको, कोविशील्ड के दोनों टीके आप लगवा लीजिए, यही आपके मान्यता होगी, WHO ने भी यही मान्यता दे रखी है और लगभग सब कंट्रियों ने यही मान्यता दे रखी है। सेकंड, अपन एक बात और टॉपिक पे बात कर लें भाई, सऊदी अरबिया में जो इंडिया के लोग थे, किसी भी देश के लोग हैं जो वहां पे, एक देखिए सऊदी में क्या सिस्टम है भाई, आप वहां पे लोकल किसी अरबी के नाम से आपको बिजनेस करना होता है, सबको पता ही है, लेकिन भाई सऊदी के नियम कुछ अलग हैं, अलग ही कंट्री है, अलग ही वो सोच रखती है, उनका सिस्टम अलग है, दुबई का बिजनेस अलग है, दुबई में आप अपना 100% अपना खुद का बिजनेस खुद के नाम से कर सकते हैं, लेकिन आप सऊदी में ऐसा नहीं है, सऊदी में लोकल सऊदी के नाम से आप बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप चाहे छोटी सी छोटा सा सोचा छोटा लॉन्ड्री का बिजनेस हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कोई शॉप हो, चाहे आप बड़ा कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी आपके नाम से हो, XYZ कोई भी आपका बिजनेस हो, उसको थोड़ा सा आप अपने विस्तार से वहाँ पे जो नियम कानून बनाए गए उनका थोड़ा सा जानकारी ले लें, आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये अपडेट हालांकि लागू हो चुका है नियम, अब कब से वो एक्टिव हो जाए उसका हम कह नहीं सकते, जो लोग लोकल सऊदी के नाम से बिजनेस कर रहे थे और वहाँ पे रहते हुए, उनके लिए दिक्कत वाली बात है। अब वो क्या चाहती है हमें नहीं पता भाई, और कोई खुल के कोई बात होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ छोटी सी शेयर करनी थी, वीज़ा से रिलेटेड भैया, कोई वीज़ा भाई वीज़ा वहाँ पर चालू है लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप बच के रहिए, अभी एजेंटों के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है, फ्लाइटों के बारे में चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आप लाख रुपये हाँ जी आ जाओ जी हम पैकेज देते हैं, लाख रुपये भेज देंगे, बच लें एक बार, फ़ायदा रहेगा। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।